हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 0 से लेकर 3 मंथ के बेबी के लिए जो है कैप बनाना, कि उसको हम कैसे बनाएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देती हूं कि हमने इस कैप के लिए कितने फंदे लेने हैं और फंदे किस तरह से डालने हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने जो फंदे लिए हैं वो हल्के हाथ से लिए हैं। फंदे आप जब भी डालिए कैप के लिए तो थोड़े से आप ढीले हाथ से डालिए। और फंदे डालने के बाद यहाँ पर मैंने एक सीधे और एक उल्टे फंदे का बॉर्डर बनाया है, और रॉन्ग साइड से सीधे फंदे के ऊपर सीधा और उल्टे फंदे के ऊपर हमने उल्टा फंदा बनाया है, ठीक है। और बॉर्डर की हमने जो है टोटल यहाँ पर 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। और फंदे मैंने कितने लिए हैं ये देखिए, इसको न्यू बॉर्न बेबी से लेकर अगर आप 3 मंथ के बेबी के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए 71 स्टिचेस जो हैं वो बहुत होंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेंगे तो फिर जो कैप है वो ज़्यादा लूज़ होता है और आँखों के ऊपर गिरता है। तो 71 स्टिचेस डालने के बाद सबसे पहले आप इसके लिए बॉर्डर जो है वो बना लीजिएगा। आप अपने हिसाब से बॉर्डर बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो सीधे सीधे का बॉर्डर बना लीजिए, चाहे आप उल्टे उल्टे सिलाइयों का बॉर्डर बना सकते हैं दोनों तरफ से बुनते हुए, और अगर आप चाहें तो आप एक सीधे और एक उल्टे फंदे का बॉर्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने बॉर्डर इसका बना लिया है, 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, और अभी ये सीधी साइड है। और इस पर अभी मैं डिज़ाइन डालूँगी, वो आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कैसे मैं बनाऊँगी वो वाला डिज़ाइन। वैसे वो डिज़ाइन ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप जो वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए, बॉर्डर के बाद जो है हमने इसकी पहली सिलाई बनानी है, और सीधी साइड से इसको हमने कैसे बनाना है ये देखिए। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, और इसकी जो पहली सिलाई है, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से अगर आप कोई भी डिज़ाइन और को डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं जो इजी हो, और मैं इजी डिज़ाइन डाल रही हूँ ताकि जो बिगिनर्स है वो भी आसानी से इसको बना सके। तो ये भी इसकी पहली सिलाई है और सीधी साइड है, इसको हमने पूरा सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करना है। पहली सिलाई जो है हमारी वो हम पूरी सीधी बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी सीधी सिलाई इसकी कंप्लीट कर ली है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर मैंने जो है 71 स्टिचेस लिए हैं, क्योंकि मुझे डिज़ाइन के हिसाब से जो है वो और नंबर के फंदे चाहिए थे इसलिए। वैसे आप 70 फंदे भी डाल सकते हैं, 70 स्टिचेस आप डालकर इस कैप को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अभी इसकी रॉन्ग साइड है और दूसरी सिलाई है हमारे डिज़ाइन की, इसको हमने कैसे करना है ये देखिए। पहला फंदा ऐसे हम उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, और ये जो फंदा है इसको हमने यहाँ से नीचे से बुनना है इस तरह से सीधा, देखिए ऐसे धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, और हमने यहाँ से नीचे से लेना है ये देखिए ऐसे, ठीक है। इस फंदे को सीधा बनाया, धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे फंदे को हमने नीचे से बनाना है। बनाना हमने ऐसे ही है, एक सीधा और एक उल्टा फंदा, बस हमने उल्टा फंदा नॉर्मल बनाते हुए जाना है और जो सीधा फंदा है वो हमने नीचे से बनाना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे सीधे फंदे को नीचे से बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये सिलाई जो है दूसरी रॉन्ग साइड से कंप्लीट करते हुए जानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पर जो है एक सिलाई सीधी बनानी है, फिर रॉन्ग साइड से हम एक सिलाई उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी साइड से हम सीधी सिलाई बुनेंगे, और चौथी सिलाई में रॉन्ग साइड में हमने जैसे मैंने आपको बताया है अभी एक सीधा और एक उल्टा फंदा ऐसे ही हमने बनाना है। यानी कि 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, आपने 4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है। बस शुरू में हमने इसी तरह से 2 सिलाइयाँ ही बनानी है, और इसी तरह से 4 सिलाइयाँ रिपीट करते हुए जाएंगे और इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट करेंगे। और इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने इसकी जो कटाई है वो किस तरह से करनी है, और आगे इसके आपको हमने कंटिन्यू किस तरह से बनाना है, इसको सिलना कैसे है। अभी फ़िलहाल मैं इसकी जो लेंथ है वो पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है,
और इसके लिए मैं वूल कौन सी यूज़ कर रही हूँ वो भी आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। और पहले इसकी लेंथ में आपको बता दूँ कि मैंने कितनी की है, देखिए 5 इंच इसकी लेंथ मैंने बनाई है। और इसके लिए जो वूल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये बेबी वूल, नॉर्मल वूल है, और इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई जो है वो यूज़ की है, ठीक है। और अभी इसकी जो है हमने लेंथ कंप्लीट करने के बाद इसकी जो कटाई है वो करनी है कैप की, वो कैसे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन डाला है, ये वाला, ठीक है, जो मैंने डिज़ाइन डालती हुई आ रही हूँ वही वाला। और अभी इसकी हमने राइट साइड से जो कटाई है वो शुरू करनी है। कैसे बनाएंगे ये देखिए, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, ये पहला फंदा है हमारा, यहाँ से हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं, देखिए कैसे, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है, 4 फंदे सीधे बनाए और इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे पीछे से इस तरह से, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 फंदे सीधे बनाए और इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे ऐसे। हमने ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है, 4 फंदे सीधे बनाते हुए जाना है और 2 का 1 करते हुए जाना है। तो ये देखिए सीधी तरफ से मैंने 4 फंदे सीधे बनाए और 2 का 1 करते हुए ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अभी रॉन्ग साइड से हमने कुछ नहीं करना है, बस हमने इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है, रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे। अब फ्रेंड्स अब आगे सीधी साइड, यहाँ से हमने कैसे करना है, पहले फंदे को ऐसे उतारेंगे, पहले हमने 4 फंदे सीधे बनाए थे, अब हमने यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, 3 फंदे सीधे बनाए और 2 का 1 किया, फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 2, 3 और 2 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर से 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 2 का 1। अब हमने ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है, 3 फंदे सीधे बनाते हुए जाने हैं और 2 का 1 करते हुए जाना है। अभी रॉन्ग साइड पर आ गए हैं, रॉन्ग साइड से हमने इस वाली सिलाई को उल्टा उल्टा बनाना है, अभी आ जाइए सीधी साइड, पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, पहले हमने 4 किए फिर हमने 3, अब हमने 2 फंदे पहले सीधे बनाने हैं, 1, 2, 2 फंदे सीधे बनाए और 2 का 1 किया बैक से, फिर से 2 फंदे सीधे, 1, 2, 2 का 1, फिर से 2 फंदे सीधे, 1, 2 और 2 फंदों का 1 बनाएंगे ऐसे। ये सिलाई हमने ऐसे कंप्लीट करनी है, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे, रॉन्ग साइड से हमने सिलाई उल्टी पूरी बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड से भी मैंने उल्टी सिलाई बुनकर कंप्लीट कर ली है। अभी सीधी साइड पे आ गए हैं, पहले फंदे को ऐसे उतारेंगे, अब हमने इसको कैसे करना है, अभी 1 फंदा सीधा बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे, ठीक है, अभी 1 फंदा सीधा और 2 का 1 करेंगे। हमने ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और 2 का 1 करते हुए जाएंगे, और रॉन्ग साइड से हमने सिलाई उल्टी पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। अब देखिए अब सीधी साइड पे आ गए हैं, कैसे करेंगे, पहले फंदे को ऐसे उतारेंगे और 2 फंदों का 1 बनाएंगे, देखिए इस तरह से 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे 2 का 1। अब हमने ये वाली सिलाई में 2 का 1 करते हुए जाना है इस तरह से, ये देखिए।
और रॉन्ग साइड से हमने इसकी सिलाई जो है वो उल्टी उल्टी बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर फिर से हमने एक बार दो का एक करते हुए जाना है। पहले फंदे को ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे, ऐसे दो का एक, यहाँ पर भी हमने दो का एक करना है। पूरी सिलाई में हमने ऐसे बनाना है, दो का एक करते हुए जाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर दो, चार, छः और आठ, ठीक है, आठ फंदे मेरे पास बचे हैं। और अब यहाँ से मैं वूल को काट लूँगी और इसको सुई में डाल लेते हैं पहले, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अभी हमने इन फंदों को इस तरह से सुई में उतारना है। और ऐसे हमने अभी धागे को खींच लेना है। अच्छे से हमने इसको टाइट करना है यहाँ से, ताकि टाइट हो जाए, अच्छे से बंद हो जाए यहाँ पर। अगर आप चाहें तो आप इसको एक बार फिर से इन्हीं फंदों के बीच में से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए अच्छे से यहाँ पर बंद हो गया है। और अब हमने यहाँ पर इस तरह से इस कैप को सिल लेना है, जैसे हम नॉर्मली सिलते हैं वैसे हम इसको सिलेंगे यहाँ तक। इस तरह से मैं यहाँ पर पहले मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी इसको सिल लिया है और इसका फाइनल लुक जो है देखिए आप कितना प्यारा आया है। और यहाँ पर मैंने इसको सिला है और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट भी बनी है। और इसका ऊपर से ये देखिए इसका जो राउंड है वो भी कितना प्यारा आया है। तो आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है ताकि बिगनर्स जो हैं वो भी इसको बना सकें। और आप भी एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।